गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होते हैं। तो आज दिन सैटरडे, सॉरी सैटरडे है, तो उधर मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। मैं 6:30 बजे पहले चाय पीऊँगी मॉर्निंग की, खाली अभी नहाना वाना कुछ भी नहीं हुआ मेरा। और तो देखा अभी देर चाय, तो चलिए बाहर चलते हैं थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में, तो बाहर कोई था तो उसने, मैंने वहाँ का वीडियो नहीं लिया क्योंकि फिर कुछ अजीब लग रहा था मुझे। तो इधर हमारी चाय बन गई है, मम्मी मेरी और इनकी, जो मॉर्निंग की टी हम लोग लेते हैं। तो मैं, चलो भी हमारी बन गई है टी, और मम्मी अभी जा गई हैं बाहर तक, तो मैंने, चलो मम्मी जब तक आएंगी चाय भी बन जाएगी। और तो इधर मैं बैठ गई उनके संग, तो ये भी चाय इधर पी रहे हैं। तो बस ब्रश करके और किचन झाड़ू मार के बस मैंने चाय बनाई है। तो कुछ टाइम से मैं लेने लगी, लेकिन 9 साल से मैंने कभी भी चाय वगैरह नहीं पी थी मॉर्निंग में। तो मैंने कहा चलो भाई, अभी मेरी कुछ तबीयत थोड़ी ऐसी रहने लगी बीच में, जैसे आपको बताया था मैंने बीपी वगैरह लो, तो उस चक्कर में सुबह मैं 1 कप या आधा कप चाय जरूर ले लेती हूँ। तो मैं इधर ही बैठ के पी रही हूँ बात चाय, और इनसे कर रही हूँ बातें। तो कुछ बातें चली रही थी, तो कुछ मत माइंड में गुस्सा भी आ गई थी, कुछ बात ऐसी हो रही थी हम लोगों की। तो मैंने, चलो कोई बात नहीं, आराम से बात कर लेते हैं। तो बात हमारी आराम से हो गई, तो मैंने कहा चलो भाई, चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े लगाने के लिए। मैं, चलो वॉशिंग मशीन का कपड़े डाले थे, कपड़े काफ़ी थे, और कल फ्राइडे था नहीं धो पाई थी, तो मैंने, चलो ये भी काम कर लेती हूँ। तो इधर कपड़े भी धोने के डाल दूँगी, जब तक मेरा और काम भी मेरा किचन का, वो सॉरी बाहर का होता रहेगा। पता लगा कि मॉर्निंग में ही मैं लगा देती हूँ तो और ज़्यादा मैं टेंशन कम हो जाती है ना, कि दोपहर में धोंगी तो फिर इधर। फिर मैं आ गई हूँ, बेडशीट भी धोनी थी, तो मैंने सारी बेडशीट वगैरह हटा दी हैं, और झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया है। तो इसके पहले मेरे को एक ब्लॉग भी, मैंने एक वीडियो और शूट करा है क्लीनिंग का, मैं क्लीनिंग का वीडियो भी डालना था मुझे, मॉर्निंग टाइम जो क्लीनिंग होती है, तो उसका भी मैंने ब्लॉग बना लिया है आज वीडियो। तो मैं, चलो बेडशीट भी गंदी हो रही है, बेडशीट भी डाल देती हूँ। 3-4 बेडशीट 4-5 बेडशीट हो गई थी धोने के लिए, तो मैं, चलो आज मशीन तो लगाई रखी, ये भी काम कर लेती हूँ। तो अभी मैंने बस सिर्फ किचन में ही झाड़ू मारा था, अभी इधर झाड़ू वाड़ू नहीं मारा। तो मैंने कहा चलो भाई, बच्चे भी आज, बेटे दोनों ही बच्चे जल्दी उठ गए थे, तो मैंने कहा चलो और भी सही है कि, तो आज क्लीनिंग का वीडियो डल सकता है। तो इधर मैंने कहा चलो भाई, इधर मेरा किचन वो हो गया है, बेडशीट बिछा दी, और मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। तो बच्चे बना के खाते, मम्मा आज मैक्रोनी बना दो, मैक्रोनी यकीन नहीं मानेंगे, मैंने आज हल्का सा क्रीप ले पाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, जो मतलब आपको मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ। तो उधर बच्चों को पढ़ाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जो मैं तब नहाना था, मतलब आपको पता ही हो गया था, बच्चों को भी कर दिया था मैंने। तो मैं आज बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, 10 साल में मेरे हाथ से तो मैं पहली बार बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं खाते बच्चों को अच्छी लगती है, नहीं खाते। तो मैं कहा चलो आज बच्चों को भी खिला देती हूँ, कुछ तो सब्ज़ी में नया चेंज लगे बच्चों को भी। तो ये बस सिर्फ बहुत जल्दी बनने वाली सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो मैंने यकीन नहीं मानी, मैंने अपने घर पर खा के आई थी अभी मैं जब गई थी राखी पे, तो और उसके बाद मैं आज खा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो भैया बनाया करूँगी, बच्चों को भी कुछ सब्ज़ियाँ नई नई सी मिलती हैं तो बच्चों को भी टेस्ट अच्छा सा लगता है। तो इधर मैंने सारे मसाले मिला दिए, इसमें जीरा दाल, सॉरी मेथी डलती है और कुछ भी नहीं डलता। तो पता नहीं आप लोग कैसे बनाते होंगे, लेकिन मेरे यहाँ जैसे बनाते हैं, मैं सिंपल सी रेसिपी वैसी देख रही हूँ, जो हम लोग गाँव में भी इस टाइप से ये रेसिपी देखी है। तो मैंने इधर खटाई जो होती है, कच्ची आमी जो हमारे यहाँ सुखा के रख लेते हैं, तो उसको भिगो के मैंने रख दिया था, हरी मिर्च भी मैंने डाल दी थी इसमें। तो मसाला चटपटी सी बनाना, चटपटी ही अच्छी लगती है, अगर ज़्यादा चटपटी नहीं होगी तो सब्ज़ी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। तो मैंने काफ़ी अच्छा सा मसाला वगैरह डाल दिया, मतलब मिर्च और हरी मिर्च डाली है। तो इधर मैं खटाई भी थोड़ी सी डाल दूँगी भिगो के जो रखी थी मैंने, और थोड़ी सी डाल दूँगी चीनी, हल्की सी चीनी डालनी है, आपका मन है अगर ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इधर बस मैं ढक के रख दूँगा, मैं बिल्कुल उसे अच्छे से फोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे फूटी हुई सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो इधर मेरी दाल भी रखी, दाल भी मैंने गर्म कर ली और बच्चों को देती हूँ खाना। तो चलिए आप भी खा लीजिए, चलिए बच्चे खा, बच्चे दोनों बैठे हुए हैं तो उन्हें फ़ोन देना पड़ेगा जब खाएंगे। तो बच्चे खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े डालने के लिए। मैंने कहा चलो भाई, मॉर्निंग में कपड़े धोए थे, अब मैं डाल लेती हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़ों का काम भी बहुत बड़ा काम होता है, जो जल्दी जितना निपट जाए उतना सही है। तो मैं कहा चलो भैया, अभी स्वेटर वगैरह जो होते हैं ना, ज़्यादा दिक्कत होती है सूखने में बहुत ज़्यादा, तो मैं चलो अभी डाल दूँगी। अभी सारे बार पहनने वाले बहुत हैं बच्चों पर, ऐसे टेंशन नहीं है, लेकिन सूख जाएंगे कपड़े, काफ़ी थे धोने के, धोने वाले, तो वो धो दिए थे मैंने, और अपने भी हाथ धो दिए जो मैंने पहन रखे थे, क्योंकि फिर अगर रख दूँगी तो फिर कब धुलेंगे ये लगता है ना। तो नहाने से बाद ही मशीन तो लगाई रखी थी मैंने, नहाने के बाद ही मशीन लगी हुई थी मेरी। तो मैं, चलो भाई अभी इधर मैं डाल लेती हूँ सारे कपड़े। तो प्लीज़ आप बताना कि आपका रूटीन कैसा है और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई शेयर करती हूँ।
चलिए फ्रेंड, मैंने कहा चलो थोड़ी सी आपसे बात भी कर लेती हूँ, बहुत टाइम से ढंग से बात भी नहीं हो पा रही आपके और मेरी। तो इधर पीयू अभी सो ही रही है, तो देखिए इधर मैं भी थोड़ा सा लेट जाती हूँ पीयू के संग, और अपने फ्रेंडों की जो हेल्प करनी होती है वैसे कर देती हूँ वीडियो देख के। और तो मैंने कहा चलो भैया थोड़ा तो क्या मेरे हाथ में क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे हाथ में ना मुंड भी ना ढंग से बहुत दर्द हो रहा है, या तो ठंड के मारे भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। तो मैं चलो पीयू सो रही है, अभी मैं लास्ट एंड कर दूँ वीडियो का। तो आज मैंने दो ब्लॉग बनाए थे, दो ब्लॉग नहीं, एक तो मैंने मॉर्निंग का जो रूटीन क्लीनिंग रूटीन होता है वो डालूंगी, दो तीन दिन में डालूंगी, देखती हूँ कब डालती हूँ मैं। और एक बनाया था ब्लॉग, तो ब्लॉग में मुझे आज कुछ बोलना था, तो मैंने चलो भाई वीडियो में अगर मैं वैसे बोलूँगी तो कई लोग नहीं देख पाते, तो मेन बात जो बोलनी है तो बस चलो मैं बोल देती हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है, कुछ फ्रेंड तो मेरे साथ समझ भी गए होंगे थंबनेल देख के ही। ब्लॉग का मतलब यही तो होता है कि हम अच्छी अपनी लाइफ दिखाएं, जो हमारे लाइफ में कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं वो दिखाएं, कुछ जो गलत चीज़ें हैं वो मत करो, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स मैं नाम नहीं लूँगी, किसी का भी नाम नहीं लूँगी, और प्लीज़ कोई भी अपने ऊपर मत लेके जाना, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ मुझे नहीं अच्छा लग रहा क्लीनिंग के नाम पर भी क्या हो रहा है। तो भाई अच्छी वीडियो वालों क्लीनिंग क्लीन करना है, ठीक है अच्छे से करो, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा गलत लगी मुझे, मैं भी देखती हूँ। तो शायद वो बस खाली व्यूज़ के लिए, क्योंकि पहले उन लोगों के व्यूज जो मैं जिन लोगों की वीडियो की बात कर रही हूँ, मतलब नाम मैं किसी के भी नहीं ले रही, प्लीज़ कोई भी अपने ऊपर मत लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो गलत कर रहा है करने, तो लेकिन बस मेरे मन में जो बात थी, मैंने कहा हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो हमारा इतना अधिकार है कि हमारे मन में जो है और जो हम सोच रहे हैं अपनी बात हम रख सकते हैं। तो मैं गलत किसी के लिए सोची थी, शायद भाई थोड़ा सा मन हो जाता है इंसान का जब व्यूज़ ना मिले तो गलत राह पे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि व्यूज़ अलग बात है, बहुत ही अलग चीज़ है व्यूज़, अगर हमें मिलते हैं हम अगर मेहनत करेंगे आज नहीं तो कल हमें मिलने हैं, पर गलत चीज़ से अगर हमें व्यूज़ मिले तो वो शायद मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल क्या, मैं सोच भी नहीं सकती चीज़ के बारे में। तो बस मैं फ्रेंड्स आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जो भी इस टाइप की वीडियो जो बना रहे हैं, मैं नहीं बोल सकती हूँ जिस ब्लॉग के जो है ब्लॉगर ही चैनल है, लेकिन क्लीनिंग भी कर रहे हैं और बहुत चीज़ें गलत सी हो रही हैं वीडियो में, तो प्लीज़ फ्रेंड जो भी मेरी बहनें हैं सहेलियाँ हैं जो भी ब्लॉगर हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा आप एक बार सोच के देखिए आप क्या सही हो रहा है क्या नहीं, तो बस आपकी मर्ज़ी है। बस मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं कमेंट भी आप लोगों के ऑफ ही रहते हैं तो नहीं कह सकती, नहीं तो मैं कमेंट ज़रूर करती, तो इसलिए मैं आज बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ एक बात और कहूँगी कि ऐसी वीडियो ना बनाएं तो सही है, सक्सेस तो आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी 3 साल है नेहा राधा कृष्णा ब्लॉगर जो हैं उनको हो गया, और देखिए आज उनका चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो देखिए मेहनत करने का फल कभी ना कभी तो मिलना ही है, तो बस आप एक उम्मीद रखिए कि आपको आज नहीं तो कल मिलेगा, थोड़े से व्यूज़ के लालच में गलत मत करिए, बस मैं आज यही कहने वाली थी। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, और मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बस मेरे मन में जो बात थी मैंने कहा, जो मैं आजकल देख रही हूँ इस टाइप की वीडियोज़ डाल रहे हैं आप लोग, बस उस चीज़ के लिए मैंने बोला है। तो चलिए मैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँगी, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के जो मैंने कहा है आपकी क्या राय है प्लीज़ अपनी राय ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।